हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैलेंडर के बारे में। ठीक है, कैलेंडर में सबसे पहले है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं आपको पता है? 365 डेज, जिसमें आपके जो है कि 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह प्लस एक डे, वन डे। ठीक, मतलब 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन बनता है। ठीक है, अगर बात करें लीप वर्ष का, लीप वर्ष में आपके कितने डेट बनेंगे? 366 डेज। और बात करें सप्ताह का, तो 52 सप्ताह प्लस दो दिन, 52 सप्ताह और दो दिन, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम मंथ का कोड देख लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर जनवरी फरवरी मार्च का अगर याद करना होगा तो 0-33। ठीक है, 0-33। अगर आपका अप्रैल, मई, जून का याद करना है तो 614। अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर का याद करना है तो 625। और आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का याद करना है तो 0-35। 0-35, 614, 625, 0-35। ठीक है, अब आते हैं वीक का कोड। जैसे रवि को हम 0 मानेंगे, सोम को 1, ऐसे बढ़ते जाएंगे 2, 3, 4, 5 और 6। सैटरडे का कोड क्या हुआ? 6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का कोड देखते हैं। सेंचुरी ईयर में जो भी अगर 4 से सीधे सीधे कट जाए, जैसे 4 चौके 16, इसका कोड होगा 6। फिर उसके बाद अगला 16 के बाद 17 है तो इसका ईयर का कोड क्या होगा? 4। फिर अगला 1802 और कट जाएगा, 2, 1900। फिर 20 में सीधे कट जाएगा 4 से, 6। फिर 4, फिर 2, फिर अगला 2004 आएगा, 2003 आएगा तो फिर 0, 2004 आएगा फिर से 7। ऐसे ही जो है कि ये बढ़ता जाएगा। इतने की हमें मोस्टली जो है कि जरूरत है आपका किसी भी कैलेंडर में दिन निकालने के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे दिया 21 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, तो इसे हम पार्ट बाई पार्ट जो है कि बांट लेंगे। डेट का अलग, मंथ का अलग और ये ईयर का अलग से कोड निकालेंगे। कोड को ऐड करेंगे, देखेंगे सप्ताह में कौन सा कोड फॉलो कर रहा है। चलिए 7 है, 21 में 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचा? 0। जनवरी का कोड 0। अब यहां आया सेंचुरी। सेंचुरी में केवल 1900 का देखेंगे, 1900 का कोड भी 0। अब फिर ईयर का, जो ईयर बचा है उसका कोड देखेंगे, इसमें 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 5। यहां तक तो हुआ हमारा सीधा सीधा, लेकिन हमने साधारण वर्ष का ये कैलकुलेशन किया। अब लीप वर्ष से देखेंगे, लीप वर्ष में कितना ऑड डे आ रहा है। लीप वर्ष में केवल 89 में भाग देंगे, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, जितनी बार भाग जाएगा। अब इससे फिर 7 का मल्टीपल देखेंगे तो 1। अब टोटल कोड जोड़ लीजिए, 0, 0, 0, 5, 1, कितना हुआ टोटल कोड? 6। अब 6 में बताइए, सप्ताह में 6 किसका कोड है? सैटरडे का, मतलब इस दिन आपका क्या है? सैटरडे, शनिवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 मार्च 1950। अब 22 में फिर पहले, सबसे पहले 22 का देखेंगे। 22 से 7 का मल्टीपल निकालिए, 7 त्रिक 21, शेष क्या बचा? 1। अब फिर मार्च, मार्च का कोड बताइए,
जनवरी फरवरी मार्च, मार्च का कोड क्या होगा आपका 3। चलिए सेंचुरी का कोड बताइए, सेंचुरी 1900। अब फिर 50 से साधारण वर्ष के हिसाब से कोड बताइए, 7 से भाग देंगे तो कितना जो है कि शेष बचेगा 50 में, एक। ये तो हो गया सीधा साधारण हिसाब। अब लीप वर्ष का कैलकुलेशन देखेंगे, लीप वर्ष में 4 से भाग देंगे, 4 में जब इसमें जो है कि भाग देंगे तो कितनी बार 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, है ना। अब फिर अब इसमें 7 से फिर कोड देखेंगे तो कोड क्या आ गया 5। अब कोड सारे ऐड कर लीजिए, 1 3 4 5 5 10, टोटल कोड क्या आया 10। हमारा कोड हम जानते हैं 0 से लेकर 6 तक ही है, फिर इसको 7 से हम देखेंगे, 7 से तो शेष क्या बचेगा 3। अब 3 पे कोड आपका क्या आएगा, 3 का कोड क्या है वेडनेसडे, बुधवार, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 22 मार्च 1918, चलिए फटाफट करते हैं। 7 से कोड, सात्री के 21, शेष क्या बचा 1। मार्च का कोड बताइए 3, 1900 का कोड बताइए 0, 18 का 7 से मल्टीपल बताइए 7 में 14 4, ये साधारण वर्ष का। अब लीप वर्ष का, केवल लीप वर्ष का इसी में देखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में, है ना। 4 से भाग देंगे, कितनी बार 4 से भाग जाएगा इसमें कंप्लीटली, 4 एकम 4 दुनिया 8 4 3 12 4 4 16, 4 बार। इसमें शेष नहीं लिखना है, जितनी बार 4 से भाग जाएगा बस वो लिखना है। अब यहाँ 7 से भाग, रिमाइंडर देखेंगे तो 4 ही आएगा। चलिए सबको काउंट करते हैं, 4 4 8 3 11 1 12, टोटल कोड क्या आया 12। अब 12 में फिर 7 से मल्टीपल देखेंगे तो कोड कितना आ जाएगा शेष 5। अब 5 में कौन सा डेट पड़ेगा आपका फ्राइडे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, चलिए 2 का 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 ही आएगा। अप्रैल का बताइए कोड, अप्रैल का कोड क्या होगा 6, ठीक। 2000, यहां 18 को भी भूल जाना, 2000 सेंचुरी ईयर का कोड बताइए 6। 18 से 7 से भाग देंगे, 4 शेष बचेगा। अब लीप ईयर काउंट करते हैं, लीप ईयर काउंट करेंगे तो 4 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, 4 चौके 16। अब फिर शेष तो यही बचेगा, अब सबको एक तरफ से काउंट कर लीजिए, 6 2 8 6 14 4 20 4 24। अब इसमें 7 का मल्टीपल फिर निकालेंगे, 7 से क्या शेष बचेगा 3, और 3 का, चलिए ध्यान देते हैं एक बार फिर से ध्यान दें, 6 2 8 6 14 6 6 2 8 6 14 4 18 4 22 आएगा ना, 22 से फिर निकालेंगे तो कोड 1 आएगा, 1 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको मंडे। कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, 24 मार्च 1971, चलिए 24 का सात्रिक के 21, 3। मार्च का कोड बताइए 3, 1900 का कोड बताइए 0, 71 से 7 का मल्टीपल 1। चलिए लीप ईयर कितना बनेगा, 4 एकम 4 4 7 28। अब 17 का 3, अब काउंट कर लीजिए, 3 3 9 1 10, 10 में 7, मतलब 10 का 7 से रिमाइंडर देखेंगे कितना आएगा 3। अब 3 में कौन सा डेट, वेडनेसडे, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, 10 जनवरी 1972, ये थोड़ा सा मामला फंसाएगा, चलिए ध्यान देते हैं। 10 से ये कोड कितना आएगा 3, जनवरी का 0, 1900 का 0, 72 का 7 से 2, लीप ईयर बताइए 4 एकम 4 4 8 32, ठीक। अब यहाँ पे फिर 7 से
चार टोटल काउंट कीजिए, 4 2 6 3 9, 9 से फिर क्या आएगा 2, 2 से आना तो चाहिए था क्या ट्यूसडे, लेकिन ये नहीं होगा। अब इसके लिए पढ़ने के लिए पहले हम स्पेशल केस देखेंगे, ठीक है ना, इसको हम मार्क कर देते हैं, अभी इस पे फिर वापस लौट के आएंगे, देखते हैं। चलिए देखिए, सारे कोड हमें पता है, अब इसका स्पेशल केस पढ़ेंगे। जैसे जो भी ईयर कंप्लीटली जो है कि 4 से कट जाए, जैसे मान लीजिए 1972, टोटल 1972 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, मतलब 4 से कंप्लीटली जो भी आएगा कंप्लीटली कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। ऐसे ही और भी जो भी ईयर है आपका, 2000 है, ये भी 4 से कंप्लीटली कट जाएगा, मतलब जो बचे हुए ईयर हैं उसको भी ध्यान में देना है आपको, ठीक है। जैसे 2012 4 से कट जाएगा, जिन भी ईयर के लास्ट में 4 हो, 2 हो, 8 हो, 6 हो या 0 हो लास्ट में, उस पे हमें ध्यान देना है, देखना है कि 4 से कट जाएगा कि नहीं, ठीक। तो उसका एक स्पेशल केस है, जो भी हमारा कैलकुलेशन हम जैसे डेट निकालते तो वैसे ही निकालेंगे। यदि मंथ का डेट जनवरी एंड फरवरी, जनवरी या फरवरी में अगर वो डेट है तो उसमें से माइनस 1 कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा आंसर आया लास्ट में कोट 4, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, अब 3 आपका फाइनल आंसर होगा अगर वो जनवरी और फरवरी में होता है तो, ठीक है। चलिए अब वापस लौट के चलते हैं उस क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन था यही था, जनवरी में 10 जनवरी 1972 4 से कटेगा, हमारा फाइनल कोड क्या आया था, 2 आया था, अब 2 में से हम 1 घटाएंगे तो 1 कोड आया, ठीक है। अब 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंडे सोमवार, ये हमें स्पेशल केस में ध्यान देना है। ये कब करेंगे, जब ईयर कंप्लीटली 4 से कट जाए और डेट का दिन जनवरी और फरवरी में रहे, तब के लिए ये हमारा वैलिड रहेगा, ठीक है। हाँ, एक और टॉपिक है, छोटा सा ध्यान दीजिए, रिपीट डे, मतलब आपका अगर बर्थडे कुछ भी है तो उसी दिन में जो है कि उसी डेट में कब जो है किस ईयर में आपका सेम दिन पड़ेगा वो निकालने का, ठीक है। चलिए अभी एग्जांपल के थ्रू समझा देंगे, पहले ध्यान दीजिए, 2012 में ऑड डे बताइए कितना पड़ेगा, 4 से मल्टीपल है मतलब ये आपका लीप ईयर है तो 2, बाकी सब में 1 1 1, 2 फिर 1 1 1 फिर 2, ये सीरीज इसी तरह से बनता चला जाएगा, 1 1 1 2। इसमें हम 7 का हमेशा से रिपीटेशन देखेंगे, जहां पे 7 का रिपीटेशन ओवर हो जाएगा वहीं आपका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए 2011 में कोई डेट दे दिया, फिर 2012 से रिपीटेशन देखेंगे, 7 का रिपीटेशन कब कंप्लीट कर रहा है, 2 3 2 5 2 7, मतलब अगर 2011 में कोई डेट है तो वो 2016 में आपका रिपीट होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलिए देखिए, इसका हम स्टार्टिंग में ही निकाले हैं, इसका डेट क्या आया है, सैटरडे। अब हम अगला देखेंगे, 21 जनवरी को किस ईयर में सेम डेट आएगा, दिन आएगा कि जहां पे सैटरडे ही हो। चलिए देखते हैं, 89 हो गया है तो आपका 1990, फिर 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, इस तरह से है। चलिए अब 1990 का कोड बताइए, 1, इसका भी 1, ये 4 से मल्टीपल हो जाएगा तो 2, बाकी सबका 1, 1 1, 2 फिर से 1। अब इसमें देखिए 7 का रिपीटेशन कब कंप्लीट कर रहा है, 2 2 4 4 3 7, यहाँ पे यहां तक देखिए, 2 2 4 3 7, यहाँ पे 7 का कंप्लीट हो जा रहा है,
तब डेट अब वहीं डालिए 21 जनवरी 1989 की जगह 95, इस दिन भी आपका सैटरडे आएगा। चलिए निकाल लेते हैं, 21 का बताइए 0, जनवरी का बताइए 0, 1900 का बताइए 0, 95 का बताइए 4, ठीक। अब इससे लीप ऑड डे बताइए, 23 4 से भाग देंगे 23 बार जाएगा, फिर कोड 7 से मल्टीपल करेंगे शेष 2। अब पूरा कोड ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 6, 6 मींस सैटरडे। कहने का मतलब ये था हमारा, अगर मान लीजिए ये यहाँ 7 पे रिपीटेशन ना होता तो फिर 14 के लिए हम देखते, 14 का नहीं होता तो फिर 21, मतलब 7 के मल्टीपल जहां पे कंप्लीट होगा उसी ईयर में आपका उसी दिन जो है कि वो डेट पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कैलेंडर कंप्लीट होता है। थैंक्स अ लॉट।